मध्य प्रदेश पटवारी संघ की जिला इकाई के सदस्यों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। 2800 रुपए पे ग्रेड की मांग को लेकर आंदोलनकारी पटवारियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक हड़ताल समाप्त नहीं होगी। मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने आज शहर में तिरंगा यात्रा निकाली और 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम का दिया। चल रही है कई हड़तालें, धरना, प्रदर्शन आंदोलन हुए हैं। मई माह में हमने 3 दिन का सामूहिक अवकाश उपरांत सीएम साहब ने प्रतिनिधि मंडल को बुलाया और कहा कि मैं 15 दिनों में आपकी मांग का निराकरण करता हूं, परंतु आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई मांग का निराकरण नहीं हुआ। इसी दौरान राजस्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष रमेश चंद शर्मा केवल आश्वासन देते रहे। अगस्त में 23 से 25 तारीख तक हमने सामूहिक अवकाश लिया। 26 अगस्त को भोपाल में तिरंगा यात्रा निकाली। 28 अगस्त को कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की, परंतु अभी भी सरकार का कोई नुमाइंदा ना बात करने आया है, ना कोई उनके तरफ से रिस्पांस मिला है। इस कारण हम आज सविनय अवज्ञा आंदोलन के तर्ज पर आंदोलन तिरंगा यात्रा निकाली गई आज, और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये किया गया। इसी प्रकार RI सीमांकन करता है, उसे ग्रेड पर 2800 है। पटवारियों का सीमांकन का अधिकार प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है, तो पटवारियों को 2800 वेतनमान क्यों नहीं, वेतन वृद्धि क्यों नहीं, पदोन्नति क्यों नहीं, समयमान वेतनमान क्यों नहीं, ये सब हमारी समस्याएं हैं। इस पे सरकार को संज्ञान लेना होगा, और सरकार अगर संज्ञान लेगी तो ये निश्चित मान के चलिए सरकार को पछतावा ही हाथ लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। मिशन न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।